नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, अगर आप लोग भी महिला ग्रुपिंग लोन लेना चाहते हैं, महिला ग्रुपिंग लोन लेने के लिए इंटरेस्ट है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं किस प्रकार से आप लोग को महिला को ग्रुप बना करके लोन लिया जाता है और आप लोगों को जो लोन लेना है वो किस प्रकार से लोन आप लोग को लेना है और किस प्रकार से आप लोग को मिलेगा। इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कौन सा वो कंपनी है, कितना तक आप लोग को लोन दे देगा और उसका ईएमआई जो है वो आप लोग को ईएमआई भरना पड़ेगा और उसके बाद कितने दिन के लिए आपको लोन मिलेगा, सबको डॉक्यूमेंट जो देना पड़ेगा वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कितना दिन में आपको लोन मिल जाएगा, यानी कि ए टू जेड ही प्रोसेस हम आपको बताएंगे। यानी कि लोन लेने से लेकर के लोन देने तक का प्रोसेस हम आपको बताएंगे। वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा दोस्तों, सारा जानकारी इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं हम आपको पे स्क्रीन पर, वहां पे ले जाकर हम आप लोगों के साथ ए टू जेड जानकारी को शेयर करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं एलएनटी माइक्रो फाइनेंस के बारे में। अगर आप लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं तो अच्छे की बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देना चाहेंगे कि ये एलएनटी माइक्रो फाइनेंस जो है वो लोन सर्विस का मतलब काम करता है। वैसे लोन देने का इसका काम नहीं है, इनका काम जो है वो बहुत बहुत बड़ा बड़ा काम ये करते हैं। तो फिलहाल वह लोन के बारे में ही बात करेंगे। अब देखिए, एलएनटी माइक्रो फाइनेंस से लोन लेने का प्रोसेस जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि माइक्रो लोन लेने का मतलब महिला ग्रुपिंग लोन लेने का, तो वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि आप लोग को जो लोन लेने के लिए पहले ये समझ लीजिएगा आपके पास पेपर जो है वो क्या क्या होना चाहिए। उससे पहले जो आप ये समझ लीजिए कि भाई साहब इसका मतलब फंडा क्या है ग्रुपिंग लोन का। अब देखिए, ये शॉर्ट टर्म में आपको लोन दिया जाता है, वो भी केवल वोमेन, मतलब केवल महिला को, कम समय की यानी कि 2 साल 3 साल के लिए महिलाओं को केवल जो है ग्रुप बना करके लोन दिया जाता है महिलाओं को केवल। आप देखिए ग्रुप में कितना आदमी रहता है, कम से कम आपको 5 रखना है, ऊपर आप जितना रख सकते हैं आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोन जो आपको मिलेगा वो आपको 30,000 से लेकर के 1,10,000 रुपया तक का जो आपको लोन मिलेगा। रिटर्न टाइम जो होगा उनका 24 मंथ से लेकर के 36 मंथ, यानी कि 2 साल से लेकर के 3 साल तक के लिए आपको ये लोन दिया जाएगा। इसका रिपेमेंट जो आपको करना है वो ईएमआई जो आपको मंथली में पेमेंट इसको करना है। अब देखिए, लोन जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से आपका ईएमआई वहां पर बताया जाएगा। अब आप जो है हमसे ये मत पूछिएगा कि ईएमआई जो है वो कितना भरना पड़ेगा। हो सकता है भाई साहब आपका लोन जो 30,000 हो, 40,000 हो, 50,000 हो, 1,10,000 हो, 95,000 हो, 80,000 हो, तो जिस हिसाब से लोन होगा उसी हिसाब से ना आपका ईएमआई आएगा। अब ये मत पूछिएगा कि लोन हमको कितना होगा, लोन जो होगा आपको वो आपके सिविल के हिसाब से होगा। मान लेते हैं अगर कहीं से आप 2, 3, 4, 5 कंपनी से ऑलरेडी लोन चला रहे हैं तब पर भी ये लोन आपको मिल जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में बहुत ही कम लोन मिलेगा। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर पहले से किसी कंपनी से लोन चला रहे हैं आप और आपका ईएमआई अगर गिर गया है, मतलब 1-2 किस्त अगर मिस हो गया है, तो उस कंडीशन में लोन नहीं देगा। अगर आपका लोन जो है रेगुलर चल रहा है तो आपको लोन मिल जाएगा, ये बात ध्यान में बैठा लीजिएगा। तो इसी में आपको बता दिया कि लोन कितना मिलेगा, रिटर्न टाइम क्या होगा और मंथली किस प्रकार से भरना है। तो आप जो है यहाँ से डॉक्यूमेंट के बारे में समझ लीजिएगा, आपको डॉक्यूमेंट जो है वो क्या क्या देना पड़ेगा, तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसके लिए जो है केवल महिलाएं इलिजिबल है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। और आपका उम्र जो होना चाहिए, एज वो 20 साल से लेकर के 60 साल तक, यानी कि 20 साल से ऊपर और 60 साल से नीचा होना चाहिए आपका उम्र। डॉक्यूमेंट में जो आपको देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, एक तो ये फिक्स है भाई साहब कि आधार कार्ड आपको देना ही पड़ेगा। दूसरा में जो है आप वोटर आईडी कार्ड लगा दीजिए या फिर राशन कार्ड लगा दीजिए या फिर मनरेगा कार्ड लगा दीजिए, इन तीनों में से जो है कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना है, ठीक है। आधार कार्ड तो आपका मैंडेटरी है, फिक्स है, तो ये तो देना ही पड़ेगा। अब उसके अलावा भी जो है आपको एक वोटर आईडी कार्ड दे दीजिए या फिर राशन कार्ड दे दीजिए या फिर मनरेगा कार्ड, इन तीनों में से जो है कोई एक डॉक्यूमेंट जो है आपको देना पड़ेगा। अब जो है यहाँ पर आप लोग का गारंटर होगा। अब देखिए, महिला जो लोन लेती है ना, तो उसका बहुत कम केस में महिला जो है इनकम मतलब करती है, ज्यादातर करके जो है जो भी उसके घर में पुरुष होते हैं, यानी कि उसका पति हो या फिर जो भी हो, बेटा हो, तो इनकम ज्यादातर उन्हीं के द्वारा आता है, तो उनका जो है यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा जिसे हम लोग को एप्लीकेंट बोलते हैं और आप लोग जो है जिसे गारंटर बोलते हो, ठीक है। तो वो गारंटर का भी आपको एक डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, वो आपको आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है, गारंटर का आधार कार्ड। अब गारंटर का उम्र जो होगा वो भी इतना ही होगा, 20 साल से लेकर के 60 साल से नीचे ही होगा उम्र उसका गारंटर का, ये चीज हो जाता है। और लास्ट में जो जब आप जाओगे तो आपसे एक फोटो भी लिया जाएगा जिसके साथ में आप लोन ले रहे हो, प्लस में जो आप कैंडिडेट का जो भी गारंटर होगा और कैंडिडेट जो भी होगा उनका जो है ज्वाइंट में आपको फोटो लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट। तो लोन कितना मिलेगा वो हम आपको बता दिए, ईएमआई कितना दिन में भरना पड़ेगा वो भी हम आपको बता दिए, और डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को देना पड़ेगा वो क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा ये भी हम आपको बता दिए। अब आप ये समझिए कि आपको इंटरेस्ट क्या लगने वाला है, ये भी बहुत जरूरी है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए कि इंटरेस्ट यानी कि ब्याज जो लगेगा वो कितना आपको ब्याज लगने वाला है इस लोन को
प्राप्त करने में। अब देखिए यहां पर जो है दोस्तों ब्याज जो आपको यहां पर कर रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% जो आपको इस पर ब्याज लगने वाला है, मतलब साल का 24% हो गया, ये महीना का 24% नहीं, तो किरनी उड़नी सब बेचना पड़ जाएगा आपको। एक साल का जो है मतलब सालाना इसका इंटरेस्ट हो जाता है वो 24% आपका ये इंटरेस्ट हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको ये कंफर्टेबल लगे तो आप इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है इंडिया में लगभग 280 से प्लस है, 284 या फिर 87 होगा या फिर 300 हो गया होगा, ये आइडिया नहीं लेकिन बट कंफर्म नहीं है, हम इतना ही आसपास है। तो इसमें बहुत सारा कंपनी आप किसी को भी देख सकते हो। प्रोसेसिंग फी जो है इस लोन को प्राप्त करने में आप लोगों से ही प्रोसेसिंग फी लिया जाएगा, तो वो जो होगा वो 1% आप लोग का जो इसमें प्रोसेसिंग फी यहाँ पर कर रहा है कि 1% ऑन लोन अमाउंट, मतलब जो भी लोन अमाउंट होता है उनका 1% जो आप लोग का प्रोसेसिंग फी लिया जाएगा। अब साथ में जो प्लस में जो है आप लोग का इंश्योरेंस भी होता है इसमें, ठीक है, यानी कि जो महिला लोन ले रही है उसका भी इंश्योरेंस होगा और उसके साथ में जो गारंटर होता है उनका भी इंश्योरेंस होगा। तो इसका प्रोसेसिंग फीस और जो इंश्योरेंस हो जाता है वो दोनों मिला करके जो है मतलब 2000 से ऊपर और 3000 के नीचे ही रहेगा। अब देखिए ये फिक्स नहीं है, इससे ऊपर भी जा सकता है, आपके लोन अमाउंट के ऊपर जो है डिपेंड पड़ेगा कि क्या आप लोगों का कितना कटने वाला है, तो ये चीज आप समझ गए हैं। अब यहां पर कह रहे हैं कि रीपेमेंट ईएमआई बॉन्स चार्ज नील है, मतलब अगर आप टाइम से पे नहीं करते हो ना तो भाई साहब आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, जो कि यहां पर कह रहा है कि रीपेमेंट ईएमआई बॉन्स चार्जिंग नील है, मतलब नहीं है। अब यहां पर लेट पेमेंट जो है इंटरेस्ट वो भी यहां पर जीरो है। अब उसके बाद जो है यहां पर बता रहा है कि फ्री क्लोजर चार्ज जो है वो नील है, मतलब जब देखिए, अब हो सकता है कि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन जरूर रहेगा कि भाई साहब अगर हम लोन लेते हैं ना, अब मान लेते हैं कि हमको 2 साल के लिए लोन लिए हैं, 1 साल या फिर 6 महीना चला लिए हैं, अब सोच रहे हैं कि भाई साहब उसका टोटल का टोटल पैसा उसको हम घुरा दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जितना दिन आप पैसा रखोगे ना उतना दिन का ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बाद में कि जो भी आप मान लेते हैं कि आप 24 महीना के लिए आप लोन लिए हैं जिसमें आप जो है 6 महीना जमा कर दिए हैं, 18 महीना आपका बच रहा है, तो ये 6 महीना का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 18 महीना का जो है इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया भी गया है, तो ये इसका कुल फंडा है एलएनटी माइक्रो फाइनेंस से महिला ग्रुपिंग लोन लेने का। अब देखिए लोन के बारे में सब कुछ हम आपको बता दिए हैं, एक चीज नहीं बताए हैं, भाई साहब अगर आपको इस लोन को प्राप्त करना है तो आप लोगे कहां से। अब देखिए ये लोन जो है दोस्तों आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई व्यवस्था नहीं है, आपको ये लोन जो प्राप्त करना होगा वो ऑफलाइन ही प्राप्त करना होगा। कैसे प्राप्त करेंगे, सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट में पता कर लीजिए एलएनटी माइक्रो फाइनेंस का ऑफिस कहां पर है या फिर एलएनटी माइक्रो फाइनेंस का ग्रुप कहां पर चल रहा है। ये चीज अगर आपको पता चल गया तो सिंपल सा वहीं पर आपको कॉन्टेक्ट करना है, जो भी लोन देने के लिए आते हैं एलएनटी माइक्रो फाइनेंस के एम्प्लॉय जो भी होते हैं उससे आपको संपर्क करना है और उनको जो है आपको बताना है कि हमें लोन चाहिए, हमारे यहाँ जो महिला ग्रुप बना हुआ है, महिला का ग्रुप बना हुआ है, 5-10 जो भी होगा आपको बता देना है और आपको उसी से मिल करके जो है लोन को प्राप्त करना है। ऑनलाइन व्यवस्था अगर रहता तो वो हम आप लोगों को बता देते हैं, ऑफलाइन ही प्रोसेस है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है किसका ब्रांच कहां पर है या फिर ग्रुप कहां पर चल रहा है तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा एलएनटी माइक्रो फाइनेंस कस्टमर केयर नंबर, आपको कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके जो अपने नियरेस्ट का मतलब लोकेशन बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि हमारे नियरेस्ट में कहां पर ऑफिस एलएनटी माइक्रो फाइनेंस का, हमको वहां का नंबर दे दीजिए ब्रांच मैनेजर का, वो आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे, उस नंबर पर भी कॉल करके आप जो है अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। इसके अलावा और कोई अधिक जानकारी चाहिए इस लोन के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, जहां तक हमें पता होगा वहां तक हम आप लोग को जरूर बता देंगे। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं एंड, अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच कर लिया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्त जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, एक्सेप्ट करके जाइएगा आप लोग, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को भी लाइक करके जाइएगा ब्रो लाइक। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।